ये चाप है। ये चाप हो गई और सोयाबीन भी मिक्स है। हाँ जी सोयाबीन है। ये सोया चाप की ग्रेवी है। सोया चाप वाली ग्रेवी आ गई जी। देसी घी का घी है। मस्त है एकदम सॉलिड जबरदस्त। पहले तो मैंने एक बार ट्राई की थी लेकिन इतनी बढ़िया लगी कि हम लोग लंच टाइम में देखे चले आते हैं। फ्री टाइम में बिल्कुल तुरंत रेगुलर और बराबर बिरयानी खा रहे हैं और एकदम बेहतरीन गरम गरम बिरयानी खिलाई जा रही है। आज की वीडियो में आपको लेके आ गए भाई पंडित जी की वेज बिरयानी खिलाने के लिए। देख सकते हो आप लोग भाई बाइक पे पूरा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। भैया नमस्कार जी। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तो फिलहाल अपना अपनी शॉप को कितना टाइम हो गया है? अपनी शॉप को 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए जी। और कौन कौन सी बिरयानी आप खिला रहे हो लोगों को? अपने पास नॉर्मल सोयाबीन वाली है और पनीर वाली है, सोया चाप है और पंडित जी स्पेशल बिरयानी है। पंडित जी स्पेशल मतलब आप पंडित जी हो? जी सर। तो आपका शुभ नाम क्या है? अर्पित दीक्षित। अर्पित दीक्षित। तो भैया ढक के रखी गई सारी चीजें साफ सफाई के साथ। ये कौन सी चाप वाली है? ये सर जी चाप। चला के दिखाइए। ये चाप है। ये चाप हो गई और सोयाबीन भी मिक्स है? हाँ जी सोयाबीन है। तो इस पंडित जी स्पेशल में आएगा, ड्राई फ्रूट्स आएंगे, ड्राई फ्रूट्स के साथ में। हाँ जी। और ये घी आएंगे। ये देसी घी? जी देसी घी आएगा। तो चलिए एक प्लेट। और प्राइस वगैरह क्या क्या है? प्राइस वगैरह आप सोया चाप पनीर लेंगे वो 60 का पड़ेगा। हाँ। पंडित जी स्पेशल जो लेंगे वो 70 का पड़ेगा। और टाइमिंग क्या है? सोयाबीन टाइमिंग हमारी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 9 से 4 जी। तो चलिए एक प्लेट लगाइए। हाफ फुल भी है जी? हाफ है 30 की और स्पेशल है 70 की। हाफ 30 की क्वांटिटी में? हाफ 30 की है जी और फुल 70 क्वांटिटी में। क्वांटिटी में जो सोया स्पेशल में वो 70 की आएगी। अच्छा पूरी प्लेट। और 30 की आएगी वो हाफ आएगी सोयाबीन की। और ये क्या लिखा आपने? धोखा तो खाते रहोगे कभी टाइम निकाल कर पंडित जी वेज बिरयानी खाओ। धोखा आप खाए हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत होते हैं जो धोखा खाए रहते हैं। अच्छा आपने नहीं खाया है? नहीं मतलब जो लोग खाए हुए उनका दिल नहीं टूटे इसलिए आप बिरयानी खिला रहे हो। बिल्कुल। तो भैया बिरयानी लेने आए थे कि खाने आए थे आप? भैया मैं पैक भी कराता हूँ ले भी जाता हूँ। मतलब खाओ भी और खिलाने भी ले जा रहे हो। तो आप कितने दिनों से ट्राई कर रहे हो? मैं 20 दिन से। 2 महीने आप 15-20 दिन से आ रहे हो। कौन सी खाते हो आप? पनीर बिरयानी। पनीर मतलब ज्यादा प्रोटीन खाने की आदत है? शरीर बनाने की। शरीर बना नहीं लग रहा मुझे, जैकेट की वजह से आपका शरीर सिर्फ फूला हुआ लग रहा है। और कुछ नहीं है। तो चलो आप अपनी एंजॉय करिए। तो पैक कराने आए हो आप? हाँ, पैक करा ली। अच्छा पैक करा ली तो ठीक है ओके। तो सबसे पहले अपना सोया चाप मिला के मिलती है? सोया चाप इंक्लूड होगा उसमें। तो ये कंटेनर आ चुका अपना और ये अपना ढक्कन हटा बिरयानी वाला। यार अपनी बिरयानी हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखता हूँ। हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं भैया। ग्लव्स को पहने हुए हैं और सारा सामान आप देख रहे हो ढका हुआ रखा हुआ है और बिरयानी के ऊपर भी ढक्कर रखा रहता है। तो ये तो आ चुकी है अपनी बिरयानी और चाप भी भैया रखोगे इस पे जी? तो हाफ में भी चाप रहती है फुल में भी रहती है? नहीं नहीं फुल में रहती है। फुल में ये अपनी फुल लग रही है जी जी। 60 रुपीज की। 60 नहीं आपको स्पेशल 70 की है जिसमें से चाप रहेगा और ड्राई फ्रूट भी रहेंगे। ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। पहले ग्रेवी जाएगी। ये ग्रेवी ये सोया चाप की ग्रेवी है। सोया चाप वाली ग्रेवी आ गई जी। और इसमें ग्रीन चटनी जाएगी। सारी होममेड है आपकी? जी जी सारी होममेड है। ये दही जाएगा। तो भाई पहले ग्रेवी डाली गई, हरी चटनी डाली गई, फिर ऊपर से डाली गई उसके बाद तो ये जाएगा पनीर। तो ऊपर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी पनीर की। मतलब एक प्लेट खाने के बाद जगह नहीं बचने वाली? बिल्कुल 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 बच जाएगी तो पानी पी लेंगे। इसके बाद प्याज, ऊपर से प्याज आ गया हल्का सा। और इसके बाद अपना पुदीना। पुदीना भी डालते हो आप जी? मतलब पूरे सीजन में मतलब 12 महीने आप पुदीना दोगे प्रॉपर हर किसी को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा पुदीना मिलेगा। उसके बाद अपना ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या है? पंडित जी स्पेशल बिरयानी में ड्राई फ्रूट्स रहेंगे। बादाम है, बादाम है, काजू है। फुलाए हुए हैं ये? जी जी नहीं, देसी घी में फ्राई किए हुए हैं। अच्छा फ्राई करके लाया? हाँ देसी घी में। और उसके बाद अपना घी। घी भी ऊपर डाल के? बिल्कुल बिल्कुल देसी घी का घी है भाई। गजब की लग रही बिरयानी। तो रेडी? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। फिर से ऊपर से हरी चटनी और फिर से ऊपर से दही और हल्की सी ग्रेवी फिर से डाली गई ऊपर से। ये मसाले हैं? मसाले हाँ। सीक्रेट है? सीक्रेट मसाले हैं।
अच्छा, चाट मसाला, सिगरेट ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपकी रेडी, देख रहे हो आप, लग तो बहुत खूबसूरत रही भाई बिरयानी, खा के बताते हैं आपको। देख रहे हो आप, मिर्ची भूल गए थे भैया, तो ऊपर से मिर्ची भी रख के दी है। तो पहले मैं हल्की सी चाट ट्राई करूंगा। तो पूरे कानपुर में हम लोगों ने बिरयानी तो खाई है, अभी तक ना किसी ने ड्राई फ्रूट डाल के दिए हैं, और ना ही किसी ने पुदीना की पत्ती डाल के दी है, और ना ही किसी ने देसी घी डाल के दी है भाई। तो चलिए ट्राई करते हैं पहली बाइट। और देख रहे हो बाइट, देखो भाई बिल्कुल मसालेदार लग रही है। ड्राई फ्रूट्स मुंह पे जा रहा है ना, वो क्रिस्पी लग रहा है, तो वो खाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। जो घी डाला गया था उस वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, और हाइजीन का ध्यान रखा गया प्रॉपर। और जो आप देख रहे हो जो चावल है, वो बिरयानी लोग बोलते हैं, पुलाव, पुलाव बोलो या कुछ भी बोलो, जो वेज वाले होते हैं उनके लिए यही बिरयानी होती है, नॉन वेज वालों की अलग बिरयानी होती है। जो बिरयानी होती है वो मसालों की वजह से अच्छी होती है, और ऊपर से एक्स्ट्रा इसमें मसाले डाले गए, तो नॉर्मल स्पाइसी लग रही है, और चाप उसके साथ खाने में अलग ही मज़ा आता है। और सोयाबीन जो डाली गई है वो भी गजब की। तो भैया यहाँ बिरयानी ट्राई कर रहे हैं, तो भैया आपने कौन सी बिरयानी ली है? तो प्लेन बिरयानी ली है, वेज वाली। हाँ, वेज वाली, सोयाबीन वाली। सोयाबीन। तो आप पहली बार आ रहे हो कि और भी आ चुके हो? आप पहले भी आए हैं। हाँ, इनका टेस्ट बहुत बढ़िया लगा हमको। बढ़िया लगा। हाँ। पंडित जी का लगता है कि बिरयानी खा रहे हैं। खा रहे हो आप, तो मतलब लंच वंच में आते हो कि आप ब्रेकफास्ट करने आ जाते हो? नहीं, ब्रेकफास्ट भी आते हैं कभी कभी, इवनिंग टाइम में आ गए। अच्छा, तो 3 बजे तक भैया वैसे रहते हैं यहाँ? चार बजे तक। 4 बजे तक, तो आप मतलब अगर डेली मतलब आना है आपको? आना है, मतलब मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करना ही करना है। अच्छा, तो एक बाइट खा के बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? मस्त है, एकदम सॉलिड, जबरदस्त मजा। तो ज्यादा दिन तो नहीं हुए शॉप लगे हुए, और कस्टमर आते जा रहे हैं, तो भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। अच्छा, तो आपने इनकी बिरयानी कितनी बार ट्राई करी है? मैं भैया लंच टाइम में, पहले तो मैंने एक बार ट्राई की थी। हाँ। लेकिन इतनी बढ़िया लगी कि हम लोग लंच टाइम में देखे चले आते हैं, फ्री टाइम में बिल्कुल तुरंत रेगुलर और बराबर बिरयानी खा रहे हैं, और एकदम बेहतरीन गरम गरम बिरयानी खिलाई जा रही है। तो आपने और भी जगह बिरयानी ट्राई करी होगी? बिल्कुल करी है, बहुत कुछ हटके मिला आपको? टेस्ट यूनिक है बिरयानी में, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट, और टेस्ट इतना बढ़िया है कि लाजवाब। भैया की इंस्टॉलमेंट जरूर, अभी मतलब स्टॉल इतना अच्छा नहीं, मतलब बड़ा नहीं है अभी, लेकिन टेस्ट अगर आप देखेंगे तो किसी रेस्टोरेंट को फेल किए हुए हैं। हम लोग सोचिए आके यहाँ पर खड़े होके रेस्टोरेंट छोड़ के बिरयानी खा रहे हैं, कार से आके। हाँ, वो देखो सामने गाड़ी भी खड़ी हमारी है ना, तो डबल एट। जैसे कि कहावत सुनी होगी कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, और जो माना जाए कि फीकी दुकान के ऊंचे पकवान। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला आपको यहाँ पे मिल रहा टेस्ट, बिल्कुल शानदार लाजवाब। और हम तो ये सबसे कहेंगे कि सब लोग आके एक बार ट्राई जरूर करें, और ट्राई करेंगे तो अपने आप आने लगेंगे। हमने भी एक बार ट्राई की थी केवल, और ट्राई करने से रेगुलर कस्टमर बन गए। तो चलिए आप अपनी बिरयानी एंजॉय करिए, आपको रिव्यू देखने बहुत बहुत थैंक यू। बिरयानी तो आपने मस्त खिलाई थी, आप जरा अपनी स्टोरी बता दीजिए कि आपने बाइक पर सेटअप बनाया है कैसे, क्या सोच के, और आपने बिरयानी में मतलब चाप वगैरह तो पहले तो ज़्यादा मिल नहीं रही है बिरयानी कानपुर में, बहुत कम ही मिल रही है, और ये जो आपने लिखा हुआ है एनर्जी 43% प्रोटीन और बाकी धोखा तो जो लोग खा रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास, तो अब आप अपनी स्टोरी बताइए कुछ। ये जो लिखा, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, हाँ हाँ, तो उसमें पीछे लिखा होता है ये चीज है, ये चीज है। तो मैं भी अपने कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि बिरयानी में ये चीजें होती हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको स्पेशल बिरयानी खिलाई, ड्राई फ्रूट्स, घी, वो सारी इसमें चीजें हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें दिक्कत हो। और मतलब क्या सोच के आपने सेटअप स्टार्ट किया? मैं जॉब करता था 2 साल 3 अच्छे MNC कंपनी में काम किया है, उसको स्विच करके मेरा एक खाने का पैशन मानिए या जुनून मानिए था, तो मैं ना जाके रेस्टोरेंट कैफे खोलना, मैंने ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया। मुझे ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करने का मुझे समझना था कि बिजनेस कैसे होता है, कोई भी फैमिली में बिजनेस नहीं करता है मेरे, बट मैं ग्राउंड लेवल से उठना चाह रहा था, तो इसलिए मैं अपने को ग्राउंड लेवल पे लाया, बाइक पे सेटअप बनाया, कम इन्वेस्टमेंट पे मैंने ये सेटअप बनाया। तो पहले आप जॉब करते थे तो बाइक से जाते थे? जी, बाइक से जाता था मैं, पहले तो मैं कैनोपी पे सेटअप बनाया था। कैनोपी? अच्छा। हाँ, कैनोपी पे रखूंगा,
और उसके बाद ये बाइक पे रखा, मैं जब जॉब करता था तो कैनोपी लगा के मैं प्रचार करता था, तो मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं रोड पे खड़ा हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता, कंपनी के लिए खड़ा हूँ, अपने लिए खड़ा होना है। तो मेरे पास एक टैलेंट था, तो मैंने, मेरे दोस्त भी बोले कि आप अच्छा खाना बना लेते हो, सब कुछ है, तो आप इसको फूड बिजनेस में आ जाओ। तो दोस्तों ने सलाह दी, तो उनकी सलाह लेके मैंने अपना ये स्टार्टअप, छोटा सा स्टार्टअप चालू करा। अब इसको बड़ा करना है, धीरे 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 करके ये ग्रो करूंगा। तो भाई क्वालिटी तो मस्त लगी, आपकी क्वालिटी रही तो आप आगे जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। तो चलिए, आपको इतनी अच्छी, कानपुर वालों को इतनी अच्छी बिरयानी खिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। देखते शॉप की लोकेशन, तो भैया की शॉप का जो नाम है वो पंडित जी की वेज बिरयानी है, और मेन लैंडमार्क आप देख लो जो फेमस है सबसे ज्यादा, वो बना हुआ संजयवन गेट। संजयवन गेट के आपको यहाँ पे शॉप मिलेगी। तो जब आप छोटे बाबा से जा रहे होंगे सनिधि मंदिर वाले चौराहे के लिए, तो शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी संजयवन के गेट से जस्ट पहले, और जब आप इधर से आ रहे होंगे सनिधि मंदिर वाले चौराहे से, और जैसे ही संजयवन गेट पार करेंगे शॉप आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, और सब्सक्राइब के लिए तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर ऑन कर लिया करें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन वीडियो आपको डेली मिलने लगेगी।